गुड मॉर्निंग एवरी वन स्टूडेंट्स, टूडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 16. फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइड. ऑल्सो चेक योर आंसर इन ईच केस. स्टूडेंट, फर्स्टली वी हैव टू लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. सो स्टूडेंट, हेयर प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑन डिवाइडिंग अ नॉन जीरो नंबर बाय वन, द क्वेश्चन इज द नंबर इट्सेल्फ. किसी भी नॉन जीरो नंबर को जब हम वन से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन हमारा वही नंबर आता है, लाइक 86 डिवाइडेड बाय वन इज इक्वल टू 86. नंबर टू, ऑन डिवाइडिंग अ नॉन जीरो नंबर बाय इट्सेल्फ द क्वेश्चन ओपटेन इज वन. किसी भी नॉन जीरो नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करने पर हमारा क्वेश्चन वन आता है, लाइक 67 डिवाइडेड बाय 67 इज इक्वल टू वन. थ्री इज डिवीजन बाय जीरो हैज नो मीनिंग. जीरो से डिवाइड करने का कोई भी मीनिंग नहीं होता है, जीरो से कोई नंबर हमारा डिवाइड नहीं होता है. नंबर फोर, ऑन डिवाइडिंग जीरो बाय अ नॉन जीरो नंबर द क्वेश्चन ओपटेन इज जीरो. किसी भी जीरो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करने पर क्वेश्चन हमारा जीरो आता है, लाइक जीरो डिवाइडेड बाय 89 इज इक्वल टू जीरो. स्टूडेंट, वॉट इज डिविडेंड, डिवाइजन एंड क्वेश्चन. द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड. वो नंबर जो आपका डिवाइड हो रहा होता है वो डिविडेंड कहलाता है, लाइक 125 है, ये आपका डिविडेंड है. द नंबर बाय विच डिवीजन इज मेड इज कॉल्ड द डिवाइजर. वो नंबर जिसे हमारा डिवीजन किया जाता है वो आपका डिवाइजर कहलाता है, लाइक यहाँ पर 8 है, 8 से 125 को डिवाइड किया जा रहा है तो 8 आपका डिवाइजर हो गया. द नंबर ऑफ टू टाइम्स द डिवाइजर इज कंटेंड इन द डिविडेंड इज कॉल्ड द क्वेश्चन. वो नंबर जो आपका टू टाइम्स डिवाइड करने पर आंसर जो आपका आता है वो आपका क्वेश्चन कहलाता है, लाइक आपने 125 को 8 से डिवाइड किया, डिवाइड करने पर आपका ये जो आंसर आया 15 आया टू टाइम्स डिवाइड करने पर, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड क्वेश्चन फ्रॉम द डिविडेंड वी गेट द रिमाइंडर. डिवाइजर एंड क्वेश्चन के प्रोडक्ट को डिविडेंड में सब्ट्रैक्ट करने पर जो हमें आंसर मिलता है वो हमारा रिमाइंडर कहलाता है. ये जो आपका नीचे बचता है जब पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, सो ये आपका रिमाइंडर कहलाता है. एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट इन अ डिविजन सम वी ऑलवेज हैव डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. ये आपका फॉर्मूला होता है, इस टाइप के आपके वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं सो इसमें, और जब आपका आंसर चेक करना होता तो भी आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. Now exercise 16. Find the question and remainder. When you divide, also check your answer in each question. Firstly, we will divide this and after that we will check the answer. So student, we will start from the left. So 12 is greater than 5. So we cannot divide 5 by 12. सो स्टूडेंट, टेक द डिजिट्स इन थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स प्लेस टुगेदर. जब यहाँ पर आपका ये जो नंबर होता है लेफ्ट वाला फर्स्ट नंबर आपका इस वाले नंबर से स्मॉलर होता है, मतलब ये नंबर आपका ग्रेटर होता है, सो फाइव तो आपका ट्वेल्व से डिवाइड हो नहीं सकता है, सो हम हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स डिजिट को टुगेदर ले लेते हैं. मीन्स फाइव एंड फोर, 54 को हम ले लेंगे, 54 को हम डिवाइड करेंगे. सो 12 के टेबल में 12 फोर द 48, बिकॉज 12 फाइव ज 60 ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमें या तो ये वाला नंबर लेना होता है या इससे कम वाला नंबर लेना होता है. अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक कर देते हैं. 4 माइनस 8 नॉट पॉसिबल, बोरो कर लेंगे. 14 माइनस 8 6, अब 6 इज लेस देन 12, सो हम इसमें से 7 नोट कर लेंगे. अब हम 67 को डिवाइड करेंगे, सो 12 फाइव ज 60. अगेन सब्ट्रैक करेंगे, 7 माइनस 0 7, 7 इज़ लेस देन 12, सो 7 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, सो हम 9 नोट कर लेंगे. नाउ 79 को डिवाइड करेंगे, सो 12 सिक्स ज 72, 9 माइनस 2 7. सो यहाँ हेयर क्वेश्चन इज इक्वल टू 456. रिमाइंडर कितना हुआ, ये रिमाइंडर होता है, ये आपका क्वेश्चन होता है, ये रिमाइंडर होता है, ये डिवाइजर होता है एंड ये डिविडेंड होता है. सो रिमाइंडर इज इक्वल टू आपका कितना है 7, और डिविडेंड इज इक्वल टू कितना है 5479, एंड डिवाइजर कितना है आपका, डिवाइजर इज इक्वल टू 12. नाउ वी हैव टू चेक द आंसर. सो आंसर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे, डिवाइजर
इज इक्वल टू सॉरी डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर. सो डिवाइजर कितना है 12 इंटू क्वेश्चन कितना है आपका 456 प्लस 7. जब हम 456 को 12 से डिवाइड करके देखेंगे 2 6 12 1 कैरी 2 5 10 प्लस 1 11 1 कैरी 2 4 8 प्लस 1 9 1 से डिवाइड करेंगे 6 5 4 सेम नंबर आता है 2 6 प्लस 1 7 9 प्लस 4 14 4 प्लस 1 5 5472 प्लस 7 5472 प्लस 7 5479 कितना आ गया आपका 5479 आ गया. और डिवाइडेंड आपका डिविडेंड कितना था 5479. इट मीन्स 5479 इज डिविडेंड. सो स्टूडेंट्स आवर आंसर इज करेक्ट. समझ गए. कुछ भी नहीं करना है. सबसे पहले आपको डिवाइड करना है. डिवाइड करने के बाद हमें पहले आपको सिर्फ क्वेश्चन एंड रिमाइंडर निकालना होता था. सो सिर्फ आप इतना ही आंसर छोड़ देते थे. बट अब आप नेक्स्ट क्लास में आ गए सो आपको अपना आंसर भी चेक करना पड़ेगा. आंसर चेक करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. ये फार्मूला लगाने के बाद हम इन सब की वैल्यूज लगा देते हैं. अगर हमें सारा सॉल्व करने के बाद जो हमारा ये आंसर आएगा वो डिविडेंड के इक्वल हुआ तो हमारा आंसर करेक्ट है. अगर ये आपका डिविडेंड के इक्वल नहीं है सो आंसर इज नॉट करेक्ट. समझ गए. एनी प्रॉब्लम. सब बहुत इजी है. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. बस डिवाइड करके आपको फॉर्मूला लगाकर आंसर चेक कर लेना है. ओके स्टूडेंट्स. सो हियर 8938 बाय 25. सो स्टूडेंट 25 इज लेस वो सॉरी 89 इज ग्रेटर देन 25. सो वी विल डिवाइड 89 बाय 25. सो 25 थ्री जा 75. सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 9 माइनस 5 4 7 माइनस 7 0. 4 इज लेस देन 25 सो 4 डिवाइड नहीं हो पाएगा. सो हम ऊपर से 3 नोट कर लेंगे. 43 को अब हम 25 से डिवाइड करेंगे. सॉरी 8 माइनस 7 1 143 आएगा. अब हम 143 को 25 से डिवाइड करेंगे. सो 25 5 125. 13 माइनस 5 8 3 माइनस 2 1 18 इज लेस देन 25 सो हम ऊपर से 8 नोट कर लेंगे. 188 सो 175 175 8 माइनस 5 3 8 माइनस 7 1. सो हेयर क्वेश्चन इज इक्वल टू 357 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 13. नाउ वी विल चेक द रिजल्ट. चेक कर लेंगे. वी नो डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. डिवाइजर कितना है आपका 25 इंटू क्वेश्चन कितना है 357 प्लस रिमाइंडर कितना है आपका 13. जब हम 357 को 25 से डिवाइड कर लेंगे रफ में 5 7 35 3 कैरी 5 5 25 प्लस 3 28 2 कैरी 5 3 15 प्लस 2 17 2 7 14 1 कैरी 2 5 10 प्लस 1 11 1 कैरी 2 3 6 प्लस 1 7 5 8 प्लस 4 12 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9 7 प्लस 1 8. नाउ द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर्स इज 8 9 2 5 प्लस 13. जब हम 8925 में 13 ऐड करके देख लेंगे यहाँ पर ही 5 प्लस 3 8 2 प्लस 1 3 9 8
सो योर आंसर इज़ 8938। आपका डिविडेंड कितना है 8938। सो ये किसके इक्वल आ गया आपका डिविडेंड के। सो जब ये आपका आंसर जो होता है ये डिविडेंड के इक्वल आता है सो आपका आंसर कैसा होता है करेक्ट हो जाता है। सो वी विल राइट आवर आंसर इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 इज 7608/41। सो 76 इज ग्रेटर देन 41, सो वी विल डिवाइड 76/41। सबसे पहले हम 76 को डिवाइड कर लेंगे तो 41 ones are 41। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस, 6 minus 1 5, 7 minus 4 3, सो 35 इज लेस देन 41, सो ऊपर से हम जीरो नोट कर लेंगे, सो इट इज़ 350। सो जब हम 350 को डिवाइड कर लेंगे सो हम 41 की 8 टाइम्स लेंगे, 41 8 ज़ 328। 10 minus 8 2, 4 minus 2 2, 22 इज लेस देन 41, सो ऊपर से 8 नोट कर लेंगे, 228। नाउ 41 5 ज़ 245, 8 minus 5 3, 2 minus 0 2, सो हेयर क्वेश्चन इज 185 एंड रिमाइंडर इज 23। नाउ वी हैव टू चेक द रिजल्ट, वी नो डिवाइजर इंटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इज 41 इंटू क्वेश्चेंट इज 185 प्लस रिमाइंडर इज 23। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे सो हमारा ये आ जाएगा 7585 + 23 7585 + 23 7608। सो ये किसके इक्वल है आपका डिविडेंड के, सो इट इज़ डिविडेंड, ये डिविडेंड के इक्वल आ गया, सो इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज 90047/82। सो 90,000 में 90 इज ग्रेटर देन 82, सो सबसे पहले हम 92 को डिवाइड कर लेंगे, 82 ones are 82। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस, 10 minus 2 8, 8 minus 8 0, 8 इज लेस देन 82, सो ऊपर से 0 नोट कर लेंगे, अब भी 8 इज लेस देन 82, सो हम ऊपर से 4 नोट कर लेंगे, 804 को हम 82 से डिवाइड करेंगे। जब यहाँ पर 2 डिजिट्स नोट कर लेते हैं, यहाँ पर हमने 0 लिया तो यहाँ पर भी हमने 0 बढ़ा लिया 1, सो हम 82 को, जब हम 804 को 82 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में जाएगा, सो 82 9 ज़ 738। नाउ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 14 minus 8 6, 9 minus 3 6, 666 is less than 82, ऊपर से 7 नोट कर लेंगे, सो 82 के 667 को जब हम डिवाइड करेंगे सो हम 8 टाइम्स में आएगा ये, 82 8 ज़ 656, 7 minus 6 1 6 minus 5 1, सो क्वेश्चन इज 1098 एंड रिमाइंडर इज 11। नाउ चेक द रिजल्ट, सो वी हैव डिवाइजर प्लस क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, 82 डिवाइजर इज 82 इंटू क्वेश्चन इज 1098 प्लस रिमाइंडर इज 11। सो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रफ में मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, आंसर आ जाएगा 9036 प्लस 11 जो है आपका रिमाइंडर है, इसमें 11 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9047। तो ये किसके इक्वल है आपका डिविडेंड के इक्वल है, सो आवर आंसर इज करेक्ट। सो स्टूडेंट, ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके आंसर चेक करने वाले, कुछ भी नहीं करना, बस इसमें हम पहले डिवाइड करके देख लेंगे और डिवाइड करने के बाद फिर हम आंसर चेक करने के लिए फार्मूला लगाएंगे, और हम अगर हमारा जो ये फार्मूला लगाने के बाद इसका आंसर हमारा डिविडेंड के इक्वल आएगा तो हमारा आंसर करेक्ट है, अगर इक्वल नहीं आएगा सो आंसर इज नॉट करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज फाइंड द डिवाइजर व्हेन डिविडेंड इज 7566 एंड क्वेश्चन इज 63। सो क्वेश्चन इज इक्वल टू होता है डिविडेंड
अपॉन डिवाइज़र। सो डिवाइज़र हमारा उधर चला जाएगा, डिवाइज़र हमें निकालना है, सो क्वेश्चन हमारा नीचे आ जाएगा। तो डिवाइज़र इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन क्वेश्चन। डिवाइज़र इज इक्वल टू डिविडेंड कितना है आपका 7560 अपॉन क्वेश्चन कितना है 63। मीन 63 से हमें 7560 को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 75 इज ग्रेटर देन 63, तो हम सबसे पहले 75 को डिवाइड कर लेंगे। तो 63 वन ज़ा 63, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 6 1, तो 12 इज लेस देन 63, तो ऊपर से 6 नोट कर लेंगे। तो 63 टू ज़ा 126। अब आपका यहाँ 0 बचा, तो यहाँ पर भी हम 0 नोट कर लेंगे। सो स्टूडेंट डिवाइज़र इज 120। समझ में आ गया? जब आपका इस टाइप, जब हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाने के बाद अपना आंसर सॉल्व कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज फाइंड द डिविडेंड व्हेन क्वेश्चन इज इक्वल टू 209, डिवाइजर इज इक्वल टू 43 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 23। हमारे पास ये तीनों ही चीज़ें दे रखी हैं, तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर हमारा 43 था, 43 लिख दिया, इंटू क्वेश्चन हमारा 209 है, प्लस रिमाइंडर हमारा 23 है। अब हम 43 एंड 209 को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, हमारा आंसर आएगा 8987। 8987 प्लस 23 करेंगे, सो आंसर आ जाएगा 9010। समझ में आ गया? नाउ एक्सरसाइज 7, यूजिंग द रूल्स ऑफ डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000 फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर व्हेन। कह रहे हैं हमें 10, 100 एंड 1000 के रूल्स को यूज करके इनको, इनके क्वेश्चन एंड रिमाइंडर निकालने हैं। सो स्टूडेंट रूल नंबर 1 इज ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 10, द क्वेश्चन इज ऑब्टेन बाय रिमूविंग द वंस डिजिट फ्रॉम द नंबर एंड द रिमाइंडर इज द वंस डिजिट ऑफ द नंबर। कह रहे हैं जब हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, सो हमारा जो क्वेश्चन आता है वो वंस डिजिट को उन नंबर्स में से रिमूव कर देते हैं, वो हमारा क्वेश्चन हो जाता है, और जो रिमाइंडर होता है वो उसकी वंस वाली डिजिट होती है। नाउ रूल नंबर 2 इज ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 100, द क्वेश्चन इज ऑब्टेन बाय रिमूविंग द लास्ट टू डिजिट्स ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द डिविडेंड, द नंबर फाउंड बाय लास्ट टू डिजिट्स इज द रिमाइंडर। कह रहे हैं जब हम किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन होता है वो लास्ट की टू डिजिट्स को हम उस डिविडेंड में से रिमूव कर देते हैं, सो वो हमारा क्वेश्चन हो जाता है, और जो लास्ट की टू डिजिट्स होती हैं वो हमारा रिमाइंडर होता है। रूल नंबर 2 इज ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 100, द क्वेश्चन इज ऑब्टेन बाय रिमूविंग द लास्ट टू डिजिट्स ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द डिविडेंड, द नंबर फाउंड बाय दिस लास्ट टू डिजिट्स इज द रिमाइंडर। जब हम किसी नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे, सो उसमें जो डिविडेंड दे रखा होगा उसकी लास्ट की टू डिजिट्स को रिमूव कर देंगे, वो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, और जो उसकी लास्ट की टू डिजिट्स होती हैं वो आपकी रिमाइंडर हैं। रूल नंबर 3 इज ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 1000, द क्वेश्चन इज ऑब्टेन बाय रिमूविंग द लास्ट थ्री डिजिट्स ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द डिविडेंड, द नंबर फाउंड बाय दीज लास्ट थ्री डिजिट्स इज द रिमाइंडर। जब हम किसी भी नंबर को 1000 से डिवाइड करते हैं, सो हमारे जो लास्ट की थ्री डिजिट्स होती हैं उसको डिविडेंड में से रिमूव कर देते हैं, वो क्वेश्चन बन जाता है, और लास्ट की थ्री डिजिट जो होंगी वो हमारी रिमाइंडर कहलाती हैं। हियर 527 बाय 10, हमें 527 को 10 से करना है, तो यूजिंग द रूल ऑफ डिवीजन बाय 10 अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, जब हम रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, सो जो हमारा लास्ट की वंस डिजिट होती है उसको हम रिमाइंडर में से रिमूव कर देते हैं, मीन्स 7 को हम रिमूव कर देंगे, तो ये जो हमारा 52 है वो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, और जो हमारी जो लास्ट की डिजिट होती है मीन्स वंस डिजिट होती है वो रिमाइंडर बन जाती है। सो हियर क्वेश्चन इज इक्वल टू 52 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 7। 3 इज 1006 डिवाइडेड बाय 10, ऑन डिवाइडिंग 1006 बाय 10 वी गेट क्वेश्चन इज इक्वल टू 100 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 6। कैसे? जब हम लास्ट की वंस डिजिट रिमाइंडर होती है, और वंस डिजिट को जब हम रिमूव कर देते हैं वो क्वेश्चन हो जाती है, मीन्स 6 को रिमूव कर देंगे तो 100 हमारा क्वेश्चन हो जाएगा एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 10। 4 इज 648 डिवाइडेड बाय 100, ऑन डिवाइडिंग 648 बाय 100 अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, जब हम 100 से डिवाइड करते हैं सो लास्ट की टू डिजिट्स को रिमूव कर देते हैं, वो हमारा क्वेश्चन हो जाती है, तो जब हम इन्हें रिमूव करेंगे तो हमारा क्वेश्चन इज इक्वल टू हो जाएगा 6, और लास्ट की जो टू डिजिट्स होती हैं वो रिमाइंडर बन जाती हैं, सो 48 इज इक्वल टू रिमाइंडर।
क्वेश्चन नंबर 8 इज 6947 डिवाइडेड बाय 1000। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, जब हम 1000 से डिवाइड करते हैं सो हम लास्ट की 3 डिजिट्स को रिमूव कर देते हैं, वो क्वेश्चन हो जाता है। इसमें से हम लास्ट की 3 डिजिट्स रिमूव कर देंगे सो क्वेश्चन इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, एंड लास्ट की जो 3 डिजिट्स होती हैं वो हमारी रिमाइंडर हो जाती हैं। सो लास्ट की 3 डिजिट है 947, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 947। जो हमने आपको ये तीनों रूल समझाए हैं ये सारे क्वेश्चन इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, 6426 बैग्स ऑफ सीमेंट्स वर इक्वली लोडेड ऑन 17 ट्रक्स, हाउ मैनी बैग्स वर लोडेड ऑन ईच ट्रक। कह रहे हैं 6426 सीमेंट के बैग्स इक्वली 17 ट्रक्स पे लोड होते हैं, सो हर एक ट्रक पे कितने बैग्स लोड होंगे। सो स्टूडेंट, जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे होते हैं, जब किसी भी ज़्यादा चीज़ का दे रखा होता है, आपको ईच का पूछा गया होता है, किसी एक चीज़ का पूछा गया होता है, सो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उस वर्ड प्रॉब्लम में हम डिवाइड करते हैं। हमने आपको हमेशा यही बताया, जब एक का दे रखा होता है, ज़्यादा का निकालना होता है, वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हमें ज़्यादा का दे रखा होता है, हमें ईच का निकालना होता है या किसी भी एक चीज़ का निकालना होता है, सो वहाँ पर हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। सो इस वर्ड प्रॉब्लम में भी हम डिवाइड करेंगे। सो फर्स्टली वी विल राइट नंबर ऑफ बैग्स इन 17 ट्रक्स इज इक्वल टू 6426। वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बैग्स इन वन ट्रक, सो वी विल राइट नंबर ऑफ बैग्स इन वन ट्रक। वन ट्रक का निकालने के लिए वी विल डिवाइड 6426 बाय 17। सो जब हम 17 से 6426 को डिवाइड करेंगे, सो 6 इज लेस देन 17, सो हम हंड्रेड्स एंड थाउजेंड डिजिट्स को साथ में ले लेंगे, मीन 64 को डिवाइड करेंगे, सो 17 3 ज़ा 51, 4 - 1 3, 6 - 5 1, सो 13 इज लेस देन 17, ऊपर से 2 नोट कर लेंगे, 17 7 ज़ा 119, 12 - 9 3, 2 - 1 1, ऊपर से 13 इज लेस देन 7, सो 13 हमारा डिवाइड नहीं हो सकता है, जब कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होता है सो ऊपर वाला नंबर हम यहाँ नोट कर लेते हैं, सो 6 नोट कर लेंगे, 136, सो 17 8 ज़ा 136, मीन्स योर आंसर इज 378, हैंस द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट इन ईच ट्रक इज 378। क्वेश्चन नंबर 3 इज 11760 टिन्स ऑफ फ्रूट जूस आर टू बी पैक्ड इन कर्टन्स ऑफ 48 टिन्स ईच, हाउ मैनी कर्टन्स आर नीडेड। कह रहे हैं 11760 टिन्स जो हैं उसमें फ्रूट जूस 11760 फ्रूट जूस के टिन्स हैं जो कि कुछ कर्टन्स में पैक्ड हैं, जिनमें से हर एक में 48 टिन्स आते हैं, सो कितने कर्टन्स नीडेड होंगे। सो फर्स्टली वी विल राइट नंबर ऑफ टिन्स ऑफ फ्रूट जूस इन 48 कर्टन्स इज 11760, वी हैव टू फाइंड आउट द वन कर्टन, सो वी विल राइट नंबर ऑफ टिन्स ऑफ फ्रूट जूस इन वन कर्टन इज इक्वल टू 11760 डिवाइडेड बाय 48। जब हम 48 से इसको डिवाइड कर लेंगे सो 11 इज लेस देन 48, सो 7 को हम साथ में ले लेंगे, 117 को डिवाइड करेंगे, सो 48 2 ज़ा 96, 7 - 6 1, 10 - 11 - 9 2, 21 इज लेस देन 48, सो ऊपर से 6 नोट कर लेंगे, 48 4 ज़ा 192, 6 - 2 4, 10 - 9 11 - 9 2, 24 इज लेस देन 48, सो हम ऊपर से 0 नोट कर लेंगे, 248 को डिवाइड करेंगे, 240 को 48 5 ज़ा 240, हैंस 245 कार्टन्स आर नीडेड। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 8928 किलोमीटर इन 24 आवर्स, हाउ मच डिस्टेंस डज इट कवर इन 1 आवर। कह रहे हैं एक ट्रेन 8928 किलोमीटर 24 आवर्स में डिस्टेंस कवर करती है, तो वो 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। सो फर्स्टली वी विल राइट डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 24 आवर इज इक्वल टू 24 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 8928 किलोमीटर। नाउ वी विल राइट डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 1 आवर, 1 आवर में कितना करेगी, 8928 को हम 24 से डिवाइड कर देंगे, सो 89 को डिवाइड करेंगे, 24 3 ज़ा 72, 9 - 2 7, 8 - 7 1, 17 इज लेस देन 24, ऊपर से 2 नोट कर लेंगे, 24 7 ज़ा 168, 12 - 8 4, 6 - 6 0, 4 इज लेस देन 24, सो हम 8 नोट कर लेंगे, सो 24 2 ज़ा 48, मीन्स 372 किलोमीटर। हैंस अ ट्रेन कवर्स 372 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ फ्रूट सेलर बाउट 7300 ऑरेंजेस, आउट ऑफ दी 64 वर फाउंड रोटेन, रिमेनिंग ऑरेंजेस वर
packed equally in 67 boxes. Find the number of oranges in each box. कह रहे हैं एक फ्रूट सेलर 7300 ऑरेंजेस खरीदता है जिसमें से 64 ऑरेंजेस ख़राब निकलते हैं. सो वो बचे हुए ऑरेंजेस जो होते हैं उनको इक्वली 67 बॉक्स में पैक कर देते हैं. सो पूछा जा रहा है आपको फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन ईच बॉक्स. नंबर ऑफ ऑरेंजेस निकालिए हर एक बॉक्स में कितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस आएंगे. सो फर्स्टली वी विल राइट टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस 7300. नाउ नंबर ऑफ रोटेन ऑरेंजेस कितने हैं 64. 64 ऑरेंजेस खराब निकल रहे हैं सो हम लिख लेंगे रिमेनिंग ऑरेंजेस निकालने के लिए टोटल ऑरेंजेस में से रोटेन ऑरेंजेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. निकल आएगा हमारा 7236. नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 67 बॉक्सेस कितने हैं 7236. नाउ नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन वन बॉक्स. वन बॉक्स का निकालने के लिए 7236 को हम 67 से डिवाइड कर देंगे. सो 72 को डिवाइड करेंगे पहले. 67 वन ज़ा 67 12 माइनस 7 5 3 नोट कर लिया. 53 इज़ लेस देन 67 सो यहाँ 0 नोट करके हम 6 नोट कर लेंगे. 536 को डिवाइड करेंगे तो 67 एट द 536. हैंस देयर आर 108 ऑरेंजेस इन वन बॉक्स.